हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के लिए हिंदी का एक कंप्लीट सेट लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, मधुमेह देश के कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मधुमेह देश किस प्रसिद्ध नाटक में आया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, चंद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन गो, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण उनकी किस पुस्तक में संकलित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, लहर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की विद्यालयी शिक्षा कहाँ तक हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, छठी तक हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का निधन कब हो गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1937 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी ने साहित्य की किस विद्या में लिखा? प्रसाद जी ने साहित्य की किस विद्या में लिखा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी, अर्थात कविता, कहानी और निबंध, नाटक और उपन्यास। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की सर्वोत्तम उपलब्धि का दर्जा उनके किस काव्य को प्राप्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कामयानी को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य आंदोलन के प्रधान कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, छायावाद के। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संकलित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, चंद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कविता चिंता उनकी किस कृति का अंश है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कामयानी। जयशंकर प्रसाद से संबंधित कुछ रचनाएं हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला नंबर है हिमाद्री तुंग श्रृंग से, दूसरा आंसू, तीसरा लहर, चौथा मधुमेह देश, पांचवा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, छठा चिंता। ये सब जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा दिनकर। दिनकर के बारे में जान लेते हैं, जिसका पहला नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार निम्नांकित में से कौन मनुज का श्रेय नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, आग्नेय विद्या बुद्धि। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर की ग्लानी कविता दिनकर जी की किस पुस्तक का अंश है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, गीत अगीत कविता किस पुस्तक में संकलित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, रसवंती में। क्वेश्चन नंबर 5, युधिष्ठिर को ग्लानी क्यों हो रही है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, युद्ध जन विध्वंस देखकर। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को निम्नांकित में से कौन सा उपनाम दिया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वर्तमान का वैतालिक। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, प्रयोगवाद का। अगला प्रश्न है, दिनकर किस काल के कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, छायावत्तर काल के। अगला प्रश्न है, दिनकर किस काव्यधारा से संबद्ध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दोनों, अर्थात छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बिहार के सिमरिया में।
अगला प्रश्न है, दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, जिसका आंसर होगा ऑप्शन का 1950 में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख छात्र सहोहर। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने किस अवस्था में कविता रचना शुरू की, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 15 से 16 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, हुंकार का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1946 में। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1953 में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने स्वयं को युगचारण अपने किस कविता संग्रह में कहा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख हुंकार में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को लोकप्रियता प्रथमतः किस कविता संग्रह से मिली, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क रेणुका से। अगला प्रश्न है, भीष्म का पश्चाताप दिनकर के किस काव्य का अंश है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को डी लिट की मानद उपाधि किस विद्यालय से मिली, जिसका आंसर ऑप्शन ग भागलपुर से। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, दिनकर को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग भागलपुर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों का प्रतिनिधित्व दिनकर ने कहाँ किया था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग पोलैंड में। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिनकर को किस रचना के लिए मिला, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग संस्कृत और चार अध्याय के। अगला प्रश्न है, दिनकर ने कॉलेज की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क पटना में। अब दिनकर जी की कुछ रचनाएं हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं जैसे मनुज का श्रेय, दूसरा है ब्याल पर विजय, तीसरा है गीत अगीत, कहने लगा चांद, हाहाकार, युधिष्ठिर की गिलानी, भीष्म का पश्चाताप, ये दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग जान लें। अगला टॉपिक है हमारा नागार्जुन। नागार्जुन जी के बारे में अब हम जान लेते हैं, जिसका पहला नंबर प्रश्न है, किस कवि का असली नाम बैजनाथ मिश्र था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख नागार्जुन, अर्थात नागार्जुन का असली नाम बैजनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा से संबद्ध है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन का प्रगतिवाद से। अगला प्रश्न है, वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग नागार्जुन। अगला प्रश्न है, वे और तुम कविता में वे संबोधन किसके लिए आया है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग श्रमिक के लिए। अगला प्रश्न है, नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा में कविताएं लिखते रहे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कैसे कवि थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग इनमें से सभी, अर्थात प्रगतिवादी भी थे, प्रयोगवादी भी थे और जनवादी भी थे। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग तरौनी दरभंगा में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1934 में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग दोनों में, अर्थात हिंदी में और मैथिली में, दोनों में। अगला प्रश्न है, मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग राम के प्रति। अगला प्रश्न है,
विश्व बंध साप्ताहिक में प्रथमतः नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी? इसका आंसर का ऑप्शन ख, राम की गति। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर का ऑप्शन ख, 1935 में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस वाद से प्रभावित है? इसका आंसर का ऑप्शन ख, मार्क्सवाद से। अगला प्रश्न है, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सिंदूर तिलकित भाल से। अब अगला टॉपिक है हमारा धर्मवीर भारती, इनके बारे में जान लेते हैं। जिसका पहला नंबर प्रश्न है, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1926 में। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित भारती के काव्य नाटक का शीर्षक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अंधा युग। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती किस प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, धर्मयुग। अगला प्रश्न है, कवि और कल्पना शीर्षक कविता में कालिदास की किस रचना का संदर्भ आया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मेघदूत का। अगला प्रश्न है, सांझ का बादल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुना है, किस कवि की पंक्ति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती किस वाद से संबंध कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, नई कविता। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक कब हुए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1960 में। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1972 में। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता क्या है? गुनाहों का देवता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, उपन्यास। अब कुछ विविध प्रश्न हैं जिनको हम जान लेते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग के कविता के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, आंसू कविता के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, लहर कविता के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मधुमेह देश कविता के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण कविता के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, जयशंकर प्रसाद। अगला है, इस करुणा कलित हृदय में वाक्यांश किस कविता से उद्धृत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, आंसू से। अगला प्रश्न है, उठ उठ री लघु लघु लोर लहर किस कविता से उद्धृत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, लहर से। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस कविता से उद्धृत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मधुमेह देश। अगला प्रश्न है, ले लो यह शस्त्र है किस कविता से उद्धृत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। अगला प्रश्न है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर किस कविता से उद्धृत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, चिंता। अगला प्रश्न है, रसवती भू के मनुज का श्रेय किस कविता से ली गई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मनुज का श्रेय। अगला प्रश्न है, झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं यह किससे लिया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, ख्याल पर विजय। अगला प्रश्न है, गाकर गीत विरह के तटनी किस कविता से ली गई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, गीत अगीत से। अगला प्रश्न है, रात यों कहने लगा मुझसे गगन का चांद ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कहने लगा चांद। अगला प्रश्न है, दिव की ज्वलित शिखा सी उड़ तुम जब से लिपट गई जीवन में किस कविता से ली गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हाहाकार से। अगला प्रश्न है, श्रृंग चट जीवन के आर पार हेरते से उक्त पंक्तियाँ कहाँ से ली गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क,
ख युधिष्ठिर की गिलानी से। अगला प्रश्न है, जहाँ कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे किससे ली गई, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख भीम का पश्चाताप। अगला प्रश्न है, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली पंक्तियाँ किस कविता से ली गई, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क वसंत की आगवानी। अगला प्रश्न है, वे लोहा पीट रहे हैं किस कविता से उद्धत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग वे और तुम। अगला प्रश्न है, ये अनजान नदी की नावें जादू के से पल किस कविता से उद्धत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सांझ का बादल। अगला प्रश्न है, कल्पने उदासनी न मेघदूत वेश में किस कविता से उद्धत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क कवि और कल्पना। अगला प्रश्न है, गीत अगीत शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क वैजनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की कविताओं का नाम लिखे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क और ग अर्थात सांझ का बादल और कवि और कल्पना दोनों धर्मवीर भारती की कविता है। अगला प्रश्न है, भीष्म का पश्चाताप के कवि का नाम लिखे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, चिंता शीर्षक कविता के रचयिता का नाम लिखे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, चिंता कविता प्रसाद जी की किस कृति से ली गई, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क लहर से। अगला प्रश्न है, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली किस कविता की पंक्ति है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क वसंत की आगवानी। अगला प्रश्न है, वे लोहा पीट रहे हैं वाक्य से नागार्जुन की कौन सी कविता प्रारंभ होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क वे और तुम। अगला प्रश्न है, सात गीत वर्ष किनका काव्य संकलन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन क ब्रह्म मुहूर्त। अगला प्रश्न है, आपत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन क सहमति। अगला प्रश्न है, कहने लगा चांद कविता के रचयिता कौन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन क दिनकर। अगला प्रश्न है, सांझ का बादल किनकी कविता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, कवि और कल्पना किनकी कृति है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, किस करुणा कलित हृदय में किस कविता से उद्धत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क आंसू से। अगला प्रश्न है, करुणा की नव अंगराई सी किस कविता से उद्धत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग लहर से। अगला प्रश्न है, गाकर गीत विरह के तटनी किस कविता से उद्धत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क गीत अगीत। अगला प्रश्न है, रात यों कहने लगा मुझसे गगन का चांद किस कविता से उद्धत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क कहने लगा चांद।